Hey guys, this is Jubin Pancholi and welcome to the PC Optimization Video Series for Gaming. ये Optimization Video Series एक complete package है जिसे आपने अगर follow किया तो gaming performance बहुत improve हो जाएगी. And believe me guys, ये कोई gimmick video नहीं है, you will actually feel the difference before and after. ये series 3 video में divided है. Be sure to watch all the videos and follow the steps. Also guys, lot of research and effort इन वीडियोस में डाला है आपके लिए जिससे आपको एग्जैक्ट एंड करेक्ट इन्फो मिले. सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू सपोर्ट द चैनल. इस वीडियो में हम फॉलोइंग फीचर्स कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस जाएंगे. लास्ट वीडियो में हम एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे, रिवा ट्यूनर स्टैटिस्टिक्स सर्वर. सो लॉट टू कवर गाइस. एंड गाइज, मैं हर चीज़ की टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे काम करती है. वीडियो ऑलरेडी लंबी होने वाली है, आप नेट पे इनके बारे में सर्च कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. सबसे पहले हम ऑप्टिमाइज करेंगे सर्विसेज को. स्टार्ट पर जाकर क्लिक करेंगे एंड टाइप करेंगे सर्विसेज. सर्विसेज पे एंटर करेंगे, एक विंडो पॉपअप हो जाएगी. यहाँ विंडोज़ के प्रोग्राम्स की सभी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी. हमारा गोल है ऐसी सर्विसेज को बंद करना जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं और वो बैकग्राउंड में फिर भी लोड हो जाती हैं. ये सर्विसेज पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती हैं उनके यूसेज के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डोंट यूज़ प्रिंटर तो आप प्रिंटर की सर्विसेज ईजिली ऑफ कर सकते हैं. एंड ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनको अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप उन्हें सेफली ऑफ कर सकते हैं. यह है प्रिंट स्पूलर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. प्रिंटर सर्विस, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक डिलेट पर सेट होती है, मतलब ऑन होती है. आप इसे मैनुअल पर सेट कर सकते हैं या कम्प्लीटली डिसेबल कर सकते हैं. अब ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको एक एक करके यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखा सकता. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी सर्विसेज बता दूंगा जिनको आप सेफली टर्न ऑफ कर सकते हो. बट ध्यान रहे गाइस, कोई भी ऐसी सर्विसेज जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नहीं लिखी है या और कोई सर्विसेज जिनके बारे में आपको नहीं पता है, उन्हें टर्न ऑफ नहीं करना है, क्योंकि वो कोई क्रिटिकल सर्विस हो सकती है जो विंडोज़ को रन करने के काम आती है. नेक्स्ट देखेंगे डिवाइस मैनेजर. डिवाइस मैनेजर का यूज़ हम अपनी SSD या हार्ड ड्राइव को ऑप्टिमाइज करने के लिए करेंगे. गो टू स्टार्ट, टाइप डिवाइस मैनेजर. ये विंडो पॉपअप हो जाएगी और आपको यहाँ अपने कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस दिखाई देंगे, माउस, कीबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, एवरीथिंग. बट आपको अभी जाना है हार्ड ड्राइव्स पे. आपको वो ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिसे आपको ऑप्टिमाइज करना है. उस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे. देन गो टू द पॉलिसी स्टेप. बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शंस ऑफ रहते हैं, अनचेक रहते हैं. हमें इन दोनों ऑप्शंस को चेक करके अप्लाई कर देना है. तो बेसिकली ये था डिवाइस मैनेजर. अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंडेक्सिंग. गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल PC ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी. इंडेक्सिंग ऑप्शन बेसिकली आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर एवरीथिंग, आपकी फाइल्स, डेटा, उसका इंडेक्स बनाकर रखता है. इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को विंडोज़ में सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको फास्ट मिलता है क्योंकि उसका इंडेक्स सेव रहता है. बट ये प्रोसेस कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलता रहता है और उसकी वजह से PC परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन होती है. इस ऑप्शन को ऑफ करने से ऐसा नहीं है कि आप सर्च ही नहीं कर पाएंगे कुछ भी. विंडोज़ में सर्च वैसे ही काम करेगा बट रिजल्ट्स थोड़े से स्लो हो सकते हैं. सो हम माई कंप्यूटर में जाएंगे एंड हार्ड ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे. बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन चेक्ड रहता है इस तरह से. हमें इसे अनचेक करना है, अप्लाई करना है. इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अमाउंट ऑफ डेटा और आपके CPU पावर पर डिपेंड करता है, बट कुछ ही टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा. अभी के लिए इसे मैं कैंसिल कर देता हूं. बट आप देख सकते हैं कि मेरी और हार्ड ड्राइव्स में ये ऑप्शन टर्न्ड ऑफ है. नेक्स्ट इज ट्रिम कमांड. ये ऑप्शन उनके लिए जिनके सिस्टम में SSD लगी है. अनफॉर्चुनेटली हार्ड ड्राइव वाले यूजर्स इस कमांड को यूज़ नहीं कर सकते हैं.
इसके लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और सीएमडी टाइप करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अब यहाँ पे ये कमांड टाइप करेंगे। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। बेसिकली अगर हमें रिजल्ट यहाँ पे ज़ीरो मिलता है तो इसका मतलब ट्रिम आपकी एसएसडी पे एक्टिवेटेड है। अगर रिजल्ट वन आता है इसका मतलब ट्रिम ऑन नहीं है। ट्रिम ऑन कैसे होगा उसके लिए एक दूसरा कमांड है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है हाई डीपीआई सेटिंग्स। जब भी हम कोई गेम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ की कुछ डिफ़ॉल्ट स्केलिंग बिहेवियर सेटिंग्स होती हैं जो कि हर गेम पे अप्लाई हो जाती हैं, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स गेम की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। हाई डीपीआई सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हम गेम की इंस्टॉल लोकेशन पे जाएंगे, गेम की exe को राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। अब हम कंपैटिबिलिटी टैब में जाएंगे और चेंज हाई डीपीआई सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शंस ऑफ होते हैं, हमें इसे ऑन करना है देन अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है ग्राफिक कार्ड सेटिंग्स। मेरे सिस्टम में एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा है, सो गाइस मैं एनवीडिया की ऑप्टिमल सेटिंग्स बता सकता हूँ। एएमडी यूजर्स नेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। एनवीडिया का कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। और मैनेज 3D सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले है पावर मैनेजमेंट। बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमल पावर पर सेट होता है, हमें इसे प्रिफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे सेट करना है। उसके बाद है टेक्सचर फिल्टरिंग। बाय डिफॉल्ट ये क्वालिटी पे सेट करना है, हमें इसे परफॉर्मेंस पे सेट करना है। इससे विजुअल क्वालिटी का कोई लॉस नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई डिफरेंस आया है कि नहीं। एंड देन अगर आपका टारगेट स्मूथ 60 FPS गेमिंग है तो आपको वीसिंक ऑन करना है। देन ट्रिपल बफर को ऑन करना है। और अगर आपका टारगेट हाई FPS कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना है जैसे काउंटर स्ट्राइक, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो आपको वीसिंक ऑप्शन को ऑफ करना है, ट्रिपल बफर को भी ऑफ करना है। देन थोड़ा ऊपर जाना है, यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा लो लेटेंसी मोड, इसे आपको अल्ट्रा पे सेट करना है। तो गाइज ये थी NVIDIA सेटिंग्स। लास्ट में है पावर प्लान्स। ये बहुत बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि मोस्टली यूजर्स को पता ही होती हैं, बट अगर आपको नहीं पता है तो स्टार्ट पे जाएंगे, टाइप करेंगे पावर प्लान्स, पावर एंड स्लीप सेटिंग्स को क्लिक करेंगे, एडिशनल पावर सेटिंग्स, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बैलेंस्ड या पावर सेविंग एक्टिवेटेड रहता है। आपको हाई परफॉर्मेंस या अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे सेट करना है। हाई परफॉर्मेंस और अल्टीमेट परफॉर्मेंस में गेमिंग में इतना डिफरेंस नहीं आता है, आप कोई भी सेट करके देख सकते हैं। ये थी पावर प्लान्स। सो गाइस आज हमने कई सारी ऐसी टेक्निक्स देखी जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस ऑप्शन देखेंगे, ये उनके लिए जो अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, बी सेफ, बी हैप्पी। जुबिन पंचोली साइनिंग आउट।